एज अ लीडर कितना इंप्रेस किया आपको जॉस बटलर ने एंड वेर डू सी हिम गोइंग क्योंकि उन्होंने एक एक और इंटरेस्टिंग बात जो की पोस्ट मैच में वो ये थी कि हमारी टीम को बहुत चैलेंजेस अच्छा आए हैं इस वर्ल्ड कप में बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दो चैलेंजेस हमने एज अ टीम अच्छा खेला है लेकिन देखिए रोहा चैलेंजेस आए हैं तो ये टॉप के प्लेयर भी तो है ना अगर हम हम अगर इनको कंपेयर करें इंग्लैंड की क्रिकेट को कंपेयर करें श्रीलंका से पाकिस्तान की क्रिकेट से बांग्लादेश की क्रिकेट से या दूसरे नेशन से जो ये कंफर्ट जोन में भी तो रहते हैं ना इतना ज़्यादा लुक आफ्टर भी तो होती है इसलिए टॉप के जो ये काउंटी क्रिकेट खेलते हैं या हंड्रेड्स की जो इनकी लीग है तो उसमें इनकी इतनी लुक आफ्टर भी होती है अगर हम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम हम हमें लुक आफ्टर नहीं होती लेकिन जिस जिस जो जो सिनारी हमारे सामने हमारे कैरियर में आते हैं उसके बाद तो हम द, चार टेस्ट मैच भी नहीं खेलें और एक साल भी, भी ना खेलें जो 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 परेशानियाँ होती हैं कि क्या 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 परेशानियाँ होती हैं तो देखें इसी तरह आप टॉप के प्लेयर बनते हो इधर इसी तरह आप लेजेंडरी क्रिकेटर बनते हो अगर आप हम लास्ट वर्ल्ड कप की बात करें तो कैसे सेमीफाइनल जीते थे ये लोग hmm. जो इन्होंने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया इंडिया को और इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा था और वो सडनली वो आउट हो गया और उसके बाद मेरे ख्याल से जो लास्ट hmm. वर्ल्ड कप में जो पहला मैच ये अगेंस्ट न्यूजीलैंड हारे है ना और वो जिस तरह पहला मैच में जो रन हुए हैं उनके खिलाफ और जिस तरह रचन रविंद्रा ने उनके ख़िलाफ़ वो शो किए और फिर उनकी जो परफॉर्मेंसीस वहाँ से थोड़ा सा ये बैक पे आए हैं और फिर सडनली जैसे हर मैच में फिर एक अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ हार गया फिर करते -से करते करते वहाँ से, से थो थोड़ा फ़र्क पड़ता है